सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। सच्चा प्यार और ईश्वर एक तरह होते हैं, मिल जाने पर और कोई ख्वाहिश नहीं रहती। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वे आगे भी संभाल लेगा। कर्म का सब खेल है, ये लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। आज का पंचांग 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार, क्षेत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रात्रि 11:30 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 10:59 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:55 से 3:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर शाम 4:15 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। आप सभी को स्वामी नारायण जयंती, श्री महातारा जयंती और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को ही भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। रामनवमी 30 मार्च को यानी आज 5 शुभ योग में मनाई जाएगी। रामनवमी पर इस बार गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु योग का संयोग है। 9वीं तिथि प्रारंभ 29 मार्च 2023 रात्रि 9:07 से होगा और इसका अंत 30 मार्च 2023 रात्रि 11:30 पर होगा। मध्याह्न मुहूर्त दोपहर 12:31, पूजा मुहूर्त सुबह 11:18 से 1:44 तक रहेगा। मिथुन राशि 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार, हाल ही में हुआ कोई नुकसान आपके दुख का कारण बन सकता है। पूरे और जोखिम भरे व्यवहार से बचें, क्योंकि यह आपके अपमान या खराब स्वास्थ्य का कारण बनेगा। दोस्तों के साथ सामाजिक बातचीत का आनंद लें। आने वाले दिनों में अच्छा भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। जिस भी कला और तकनीक को आप सीखना चाहते हैं, उसे लक्ष्य बनाना आपको पूर्णता प्रदान करेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, बस इसे अपने खुद पर हावी ना होने दें। सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। सकारात्मक लोगों से मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे। आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। आप में खुद और बेहतर सीखने व करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी। व्यर्थ विचार न करते हुए केवल आगे बढ़ने की कोशिश करें। पुरानी बातों को छोड़ना होगा। जिन बातों के कारण मानसिक तकलीफ होती है, उन्हें दूर करने के लिए किसी का साथ प्राप्त होगा। उनसे मिल रहा मार्गदर्शन और मदद स्वीकार करनी है या नहीं, यह आपका निर्णय होगा। यदि मदद की जरूरत है तो उस व्यक्ति से खुद चर्चा की शुरुआत करें। करियर संबंधित प्राप्त हो रही प्रगति की वजह से प्रसन्नता मिलेगी। फिर भी आगे चलकर करियर के लिए क्या लक्ष्य रखना है, यह जान पाना अभी के लिए कठिन लगेगा। जिन बातों के कारण डर महसूस होता है, उनका प्रभाव खत्म करें, तभी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। सावधानियां, किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन आहत होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पैसे संबंधित लेन देन बिल्कुल ना करें। आपकी कोई खास वस्तु खो सकती है, इसीलिए सावधान भी रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का वातावरण सुखद रहेगा। सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर भी बनेगा। इस समय परिवार और स्वयं के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, क्योंकि किसी लाइलाज बीमारी के कारण अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
लव पार्टनर और मोहब्बत के लिए समय उज्जवल है, जहां आपको यौन सुख की कमी महसूस नहीं होगी। तो तैयार रहे इन खट्टे मीठे अनुभव के लिए। आप रोमांस में माहिर हैं, फिर चाहे वो कुछ नया सीखने की चाह हो या प्यार में रत होना, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। बस अपने दोस्तों की बातों को सुने और उन्हें समझे। आप दोनों इस गुलामी और प्रणयशील माहौल में एक खास रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं, जो आपके दिन को उल्लासपूर्ण बना देगा। बात करते हैं करियर की। दुनिया की बुराइयों, गंदगी और पाप से परेशान होकर आप आज के दिन आध्यात्मिक कार्यों में लगा सकते हैं। अपमान से बचने के लिए कुछ बातों को रहस्य ही बनाए रखना बेहतर है। आज आपकी मानसिक शक्तियाँ आपको तारीफ और पुरस्कार का हकदार बनाएगी। यह दिन आपके लिए जुनून, ऊर्जा और नया जोश लेकर आएगा, जिसके कारण आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। पूर्णता की आपकी भावना आपको किसी भी सिद्धांत या तकनीक में विशेषज्ञ बनाती है। सफलता आपका हर जगह पीछा करेगी, लेकिन अहंकार से बचें और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें। बात करते हैं सेहत की। व्यायाम और योग को अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं। लो बीपी और शुगर की तकलीफ होने की भी संभावना है। आज का उपाय, आज आप राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।